हमीरपुर के खेत में लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लड़की बीते दिनों खेतों में काम करने गई थी और वो लापता हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करवा दिया है और परिजनों को काफी खोजबीन के बाद लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। फिर उसके बाद श्वेत विश्वत अवस्था में खेत में लड़की का शव मिला था। साथ ही पिता ने दो युवकों पर हत्या का आरोप भी लगाया है। थाना राड क्षेत्र में ग्राम ओडेरा में आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की उसका शव यहां पर जली हुई अवस्था में बरामद हुआ है। तत्काल मौके पे फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक की टीम आई है। साथ ही मैं पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, हम सभी लोगों ने मौके का निरीक्षण किया है और यहाँ पर आकर और इनके परिवारजनों से बातचीत की है तो उन्होंने दो व्यक्तियों के ऊपर ये शक जताया है तो उनकी तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आपको बता दें, खबर हमने हमीरपुर से आपको बताई, जहां खेत में एक लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है लड़की बीते दिनों जो है खेत में काम करने गई थी और वो वहां से लापता हो गई और लापता होने पर जो है पुलिस ने मामला भी दर्ज करा। परिजनों ने जब मामला दर्ज करवाया तो खोजबीन शुरू हुई और काफी खोजबीन के बाद लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद जो है काफी शत विशत अवस्था में खेत में लड़की का शव मिला और साथ ही पिता ने दो युवकों पर हत्या का आरोप भी लगाया है। तो ऐसे में काफी ज्यादा सनसनीखेज ये मामला हो गया है। लड़की पहले पुलिस के साथ इस खबर पे हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सद्दाम, हमीरपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जो है एक लड़की जो है अचानक गायब हो जाती है, खेत में जाती है वो काम करने, फिर उसके बाद नहीं मिलती, फिर थोड़े दिन बाद उसका शव जो है काफी ज्यादा शत विशत हालत में मिलता है। क्या अपडेट्स है? देखिए, आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये राठ कोतवाली क्षेत्र के ओडेरा गांव का, जहां आज सुबह खेतों में छत बिछत अवस्था में एक लड़की का शव मिला है जो आधा जला लग रहा है। शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की की किसी ने हत्या की है और उसके बाद उसके शव को जलाने का प्रयास किया है। पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई, तत्काल स्थानीय पुलिस सहित जिले के आला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, फील्ड यूनिट, फॉरेंसिक टीम, ये सब मौके पर पहुंचे और हत्या की जांच में जुट गए हैं। लड़की के शव को पंचायत नावघर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भी भेज दिया है ताकि उस रिपोर्ट के बाद हत्या का कारण जान सके। मगर जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस की जवाबदेही जरूर बनती है, या यूं कहें कि पुलिस की लापरवाही से यह घटना हुई है। आपको बता दें कि ये लड़की के पिता घनश्याम कुशवाहा ने 16 फरवरी को थाना राठ में गांव के ही एक युवक जिसका नाम हरीश चंद है, इसके खिलाफ नामदर्जी शिकायत की थी। लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि हरीश चंद उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले गया है, मगर स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि अगर स्थानीय पुलिस समय से सक्रियता दिखाती तो शायद इस लड़की की जान बच सकती थी। फिलहाल मामला भी 16 तारीख का बताया जा रहा है सद्दाम, 16 तारीख को ये घटना हुई थी। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अब तो सब कुछ सामने, अब तो लड़की का शव भी मिल गया है, तो अब पुलिस अभी भी जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी है या फिर कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है? देखिए मैम, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और लड़की के पिता ने जिन आरोपियों के ऊपर आरोप लगाया था, उस लड़के को और उसके पिता को पुलिस ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और उनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। जी, तो उनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो कुछ पूछताछ के दौरान कुछ बात उन्होंने कबूल की है या कुछ बातें निकल कर सामने आई है, ऐसे कुछ अपडेट्स है अभी तक के? नहीं, इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट होगी जानकारी दी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर हमने आपको हमीरपुर से बताई, जो है एक लड़की का काफी संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। पिछले बीते दिनों जो है लड़की खेत पे काम करने गई थी, वहां से गायब हो गई, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि मामला 16 तारीख का और अब तक जो है कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं की गई है।